जेल से तोशाखाना टू केस में जमानत के बाद आज रिहाई नसीब हो गई है। बिलाखिर तकरीबन 264 दिन की इनकारसरेशन और डिटेंशन के बाद उनको ये रिहाई मिली है। इस दौरान इद्दत निकाह के केसेस, तोशाखाना बुल्गेरी सेट, तोशाखाना ग्राफ सेट और 9 मई जैसे झूठे केसेस भी उनके खिलाफ रजिस्टर हुए। बट बिलाखिर फाइनली बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड, इन सेंस कि कोई हमारी कल की दरख्वास्त भी थी कि बुशरा इमरान के खिलाफ कोई मजीद अब केस जो है वो ना बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने हर केस को ना सिर्फ फेस किया है बल्कि हर केस में उन्होंने अपनी बेगुनाही को भी साबित किया है। मैं बुशरा इमरान को और उनकी फैमिली को, सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। अगला स्टेप ऑफ कोर्स कानूनी टीम का अलीमा आपा और उज्मा आपा हैं, जिनकी मैं उम्मीद करता हूं कि कल उनकी भी बेले हो जाएंगी और खवातीन की हद तक एटलीस्ट जो है वो सब लोगों को रिलीज किया जाए। मैं इस मौके पर अपनी तमाम लीगल टीम को, मेरे चेंबर ने दिन रात गुज़िश्ता 2.5 साल से मेहनत की है, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस्लामाबाद IELF के चैप्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी हर वक्त सपोर्ट रहती है। और सबसे बढ़कर आने वाले दिनों में अब ऑल आइज एंड ऑल फोकस ऑन इमरान खान साहब और खान साहब की रिलीज के ऊपर जो है वो फोकस रहेगा। खान साहब के कोई मजीद केसेस नहीं रह गए, सिर्फ एक दो पेशियों की मार और खान साहब की भी रिलीजेज अराउंड